नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आर के हल्दर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं में होने वाले जो MC जो होती है, यानी मंथली साइक्लिक पीरियड जिसको कहते हैं, उसको मासिक धर्म भी हिंदी में कहते हैं, वो अगर मिस हो जाता है तो आप उसे किस तरीके से रेगुलर कर सकते हैं और किस तरीके से जल्दी ला सकते हैं। दोस्तों, आपने कई तरह की इस तरह की तमाम वीडियो YouTube पे मौजूद है जो कि कहती है कि ये काढ़ा पी लो, इसको लेते ही आपको एक दिन में, कोई तो कहता है 5 मिनट में ही आपके जो है मासिक धर्म है रेगुलर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी काढ़ा पीने से आपको इंस्टेंट जो है आपके मासिक धर्म नहीं आता है। इसके लिए जो एलोपैथ में कुछ ऐसी मेडिसिन है इसको इस्तेमाल करने की, आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी मासिक धर्म जो रुकी हुई है विदाउट प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें एक जो दवाई है वो काम नहीं करती। विदाउट प्रेगनेंसी में जो है ये दवाइयाँ बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है। आपको 5 से 10 दिन के अंदर में आपकी जो ये मासिक धर्म वाली समस्या है दूर हो सकती है। अब बात करते हैं जो मासिक धर्म जो है क्यों रुक जाता है। तो मासिक धर्म जो है अलग अलग कारण होते हैं रुकने के। कई बार तो देखा गया कि लोग ओवरवेट हो जाते हैं, ज़्यादा वजन बढ़ने की से भी समस्या होती है। कई लोगों की ज़्यादा वजन कम हो, खून की कमी हो, उस समय भी जो समस्या जो है होने लगती है। या कोई लंबे समय से आप कोई मेडिसिन, टीबी वगैरह की मेडिसिन अगर खा रहे हो, उस समय जो है आपको मासिक धर्म की जो समस्या है आपको होने लगेगी। और भी कई तरह की दिक्कतें हैं जो होती है इस समस्याओं को होने के लिए। तो हम बात करते हैं ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसको इस्तेमाल करने से आपकी जो मासिक धर्म की जो समस्या है बहुत ही जल्द जो है दूर हो जाए। तो सबसे पहले आपके जो पीरियड जो है जिस टाइम पे आती है, मान लीजिए आपको 1 तारीख को आनी है, तो उस समय नहीं आई तो आप जो है पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अब उसमें देखें पॉजिटिव है या निगेटिव आ जाए तो उसके बाद आपको ये टैबलेट लेनी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोमोट एन टैबलेट है। आपको 10 टैबलेट जो है 50-55 रुपये में किसी मेडिकल स्टोर पर मिल सकता है। इस टैबलेट को सिर्फ 10 टैबलेट लेनी है और सुबह और शाम लेनी है 5 दिन तक। जब ये 5 दिन तक दवाई लेते हैं तो दवाई खत्म होने से 1 हफ्ते या 10 दिन के भीतर में जो है आपका पीरियड जो है आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके की जो टैबलेट है आपको किसी डॉक्टर के देखरेख में ही लेनी चाहिए, क्योंकि इस टैबलेट की जो है कई तरह के साइड इफेक्ट जो है देखने को मिले हैं। कई लोगों को जो वोमिटिंग की शिकायत होने लगती है, इचिंग वगैरह होने लगता है, पेट में दर्द हो जाता है। इस बहुत ही कम इस तरह की समस्या होती है, लेकिन इस तरह के साइड इफेक्ट होते हैं जो देखे गए हैं। तो हो सकता है कि आपको इस तरह की समस्याएँ हों, तो कोई भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने डॉक्टर से इसके बारे में जरूर सलाह लें। लेकिन जब भी आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपका जो पीरियड है 1 हफ्ते के आसपास में आ जाता है। तो इस दवाइयों को आप हमेशा ना लें, क्योंकि हमेशा लेने से भी आपको कई तरह की दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपको इस तरह की समस्या हो गई है, 1 महीना 2 महीने 3 महीने से आपको पीरियड नहीं आया, तो इस टैबलेट को लेने से आपकी जो दिक्कत जो है दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा हम आपको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।